इस वक्त हमारे साथ एक और पहलवान सत्येंद्र कादियान जुड़ रहे हैं, साक्षी मलिक के हस्बैंड भी हैं। कादियान जी, स्वागत है आपका। थोड़ी देर पहले हमारे साथ थे ब्रजभूषण शरण सिंह, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी सर, बताइए। ब्रजभूषण शरण सिंह इतना बौखला जाएंगे हमको अंदाजा नहीं था। ब्रजभूषण शरण सिंह जो है, हमारा आरोप सुनते, हम जो आरोप उन पर लगा रहे थे, और हम क्या, वो तो जो आप लोगों के आरोप है, केवल वो आरोप हम उनको बता रहे थे। इससे पहले उन्होंने आरोप लगाने शुरू कर दिए, और उन्होंने जो कमिटी में एफिडेविट दिए गए थे खिलाड़ियों की तरफ से उनके खिलाफ, वो नाम लेकर वो आरोप लगाने लगे और कहने लगे कि मुझ पर मैंने किसी महिला खिलाड़ी को गले लगा लिया तो मुझ पर आरोप लगा दिया कि मैंने बदसलूकी की है, और नाम लेकर वो कहने लगे। उन्होंने साक्षी मलिक का भी नाम उसमें लिया, तो ये उनकी तरफ से एफिडेविट में खिलाड़ियों के नाम जो थे वो आज जब उजागर हुए तो पता लगा कि इस बात का भी ख्याल वो नहीं रख रहे हैं कि एक मर्यादा होती है कि आप एक महिला का नाम इस तरीके से, जिसने ऐसे आरोप लगाए हो, उसको उजागर नहीं कर सकते। जी देखिए, मैं कल से ही देख रहा हूँ, वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, और कुछ न्यूज़ चैनल उनको स्क्रिप्टेड क्वेश्चन दे रहे हैं, और उसमें वो बहुत ही अपने आप को बाहुबली या पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। शायद आपने उनको स्क्रिप्ट नहीं दी होगी, इसलिए उनको छोड़ के जाना पड़ा बीच में, और अब तो वो इतने निचले स्तर तक पहुँच गए हैं कि किसी भी प्रकार की गरिमा का कोई ध्यान नहीं रख रहे हैं। इससे पूरा देश देख रहा है इन सब चीज़ों को, और मैं कहूँगा ये बहुत ही मतलब निचले स्तर की और निंदनीय बातें अब वो ओछी बातों पे उतर आए हैं। जी, लेकिन जब वो इस स्तर पर उतरे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि देश को कम से कम ये पता चलना चाहिए, सत्यव्रत जी, कि इनके ऊपर आरोप कितने संगीन हैं। उन्होंने मर्यादा का ख्याल नहीं रखा, लेकिन हमने पूरी तरीके से कानून और मर्यादा का ख्याल रखा। किसी भी महिला खिलाड़ी का जो कंप्लेनेंट है, शिकायतकर्ता का नाम नहीं बताया जा सकता। हम बिल्कुल भी उस मर्यादा को नहीं लांघ रहे हैं, किसी महिला की, किसी शिकायतकर्ता का नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन यह बताना जरूरी है कि शिकायत कितनी संगीन है उनके खिलाफ। तो ये एक एफिडेविट मेरे पास है, और इस एफिडेविट में ये लिखा गया है एक शिकायतकर्ता की तरफ से कि अपने दफ्तर के अंदर बुलाकर कैसे वो बदसलूकी करते थे। अपने दफ्तर के अंदर बुला करके एक महिला खिलाड़ी को अपने बगल में बैठा करके गलत टच करते थे। एक प्रेसिडेंट फेडरेशन का, वो एक बहुत ही फेमस खिलाड़ी को किस तरीके से उसका शोषण कर रहा है, बगैर इस बात का ख्याल रखे कि उसका अपना ओहदा क्या है, और वो खिलाड़ी जो है वो देश की कितनी बड़ी धरोहर है। यही है कि बहुत टाइम लगा हमें एकजुट होके इसके खिलाफ आवाज उठाने में, और बहुत हिम्मत चाहिए। मैं उन 7 लड़कियों को भी सलाम करना चाहूँगा एक तरीके से कि उन्होंने इतने हिम्मत का काम किया है। दूसरा, वो कल से वैसे भी ये झूठ बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि पोस्को की कौन सी लड़की है वो। अगर आपको नहीं पता तो आपके आदमी 8 दिन से उनको हर जगह ढूंढने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अपने फेडरेशन के आदमी को हर कोचिज के पास उसका आधार कार्ड है वो क्यों सर्कुलेट कर रहे हैं? तो एक तो सबसे बड़ा झूठ इनका ये है कि मेरे को नहीं पता भाई पोस्को कौन है। यहाँ पे उनके आदमी लगातार उस लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सत्यव्रत जी, जब अभी आप आंदोलन पर बैठे हुए हैं और जैसा कि आप बता रहे हैं कि लगातार उन लड़कियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, तो क्या अभी भी आपको डराया और धमकाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि आप इस आंदोलन को वापस ले लें, अपनी कंप्लेन को आप वापस ले लें? वो तो आपने थोड़ी देर पहले देख ही लिया उनका रवैया, और जिस तरह से वो नाम भी अब सार्वजनिक करने पे आ गए हैं और पोस्को के ऊपर झूठ बोल रहे हैं और लगातार कल से झूठ बोल रहे हैं। कई चीज़ें मैंने उनकी देखी है कल, तो बस यही है भाई, किसी चैनल पे अपने आप को बाहुबली बताना और लड़की को ढूंढने के लिए अपने आदमी लगा देना तो एक तरीके से डराना ही होता है, और इसको हम क्या समझें। और अब उनकी तरफ से बार बार एक चीज़ ये कही जाती है कि ये इतनी सीनियर खिलाड़ी जो है मुझ पर जो आरोप लगा रही हैं, 12 साल में फेडरेशन का अध्यक्ष रहा हूं, इनको 12 साल के बाद क्यों याद आ रहा है? ये सवाल आप लोगों से भी कई बार पूछा गया होगा। सर, फेडरेशन में हो रही गड़बड़ी की शिकायत आप सबको पता है, एक बार विनेश ने प्रधानमंत्री जी को की थी,
और कि भाई गड़बड़ी की थी खाली, कि भाई फेडरेशन अच्छे से नहीं चल रही, उसकी खबर ही काफी पहले की थी, उसकी खबर ही तुरंत विनेश के मतलब फेडरेशन के पास पहुंच गई और फेडरेशन से धमकी आई विनेश के पास। और इक्का दुक्का आवाज पहले भी उठी है, ऐसा नहीं उठी है, एक 2012-13 में आई थिंक एक केस भी हुआ था, उसको भी रफा दफा कर दिया गया था। तो कोई भी सिंगल लड़की कोई आवाज उठाती थी उसको डरा के धमका के उसको चुप करा दिया जाता था। अभी मुश्किल से सबने साहस जुटाया है एक साथ होने का। इस देश की हर महिला ये समझ सकती है कि एक महिला को कितना बड़ा साहस चाहिए ये लड़ाई लड़ने का, वो भी इतने बड़े और खतरनाक आदमी के खिलाफ। तो इस पूरे देश को पता है कि कितनी हिम्मत से इन 7 लड़कियों ने ये फैसला किया है। कादियान साहब, एक सवाल जो विभूषण शरण सिंह के लोगों के द्वारा बार बार कहा जा रहा है, वो खुद भी ये बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी तस्वीरें दिखी, आप लोगों की शादी में इस तरह के कैरेक्टर के अगर वो व्यक्ति हैं तो उन्हें इन्वाइट करने का क्या मकसद था, क्या मतलब था? सर जी, हमारे को फेडरेशन के आदमी खुद आके बोलते थे नेताजी को इन्वाइट करो भाई, वरना तुम्हारा कैरियर खत्म हो जाएगा तुम्हारे, मतलब अभी कल से एक ऑडियो ट्विटर पे वायरल भी हो रहा है, आप लोग सुन लीजिए या चला भी दीजिए। वो एक किसी कोच को धमका रहे हैं कि ज्यादा मत उड़ो, हम पहलवान बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं, कोई नया पहलवान बना देंगे तुम्हारी जगह। तो इस तरह की जो धमकियां हैं वो स्टार्टिंग से चलती आ रही हैं फेडरेशन की तरफ से। मतलब वो शादी में उनको बुलाया जाए इस बात को लेकर भी आप लोगों के ऊपर दबाव था कि शादी में इन्वाइट कीजिए विभूषण शरण सिंह को? ये उनके सॉफ्ट कॉर्नर में पहुंचने वाले आदमी ही लगातार ये कहते थे भाई, और उनसे मिलने के लिए भी कहते थे, हम कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी खिलाड़ी प्रॉब्लम कोच के पास लेके जाएगा या किसी और जो मैनेजमेंट देखता उसके पास ले जाएगा, वो यही कहते थे कि आप ना नेताजी से मिलो, तो हमारी मजबूरी हो जाती थी नेताजी से मिलना। नहीं नहीं, शादी में बुलाने की क्या जरूरत थी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ जो बार बार उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसे कैरेक्टर के व्यक्ति अगर वो इस प्रकार के थे तो कम से कम अपने व्यक्तिगत समारोह में उनको बुलाना, ये कौन सी मजबूरी थी, वजह क्या थी? सर पिछले इंटरव्यू में विनेश ने खुद बताया है कि ब्रजभूषण जी ने उनसे खुद कहा था हमें इनवाइट नहीं करोगी क्या, और अगर नहीं करते तो कुछ फेडरेशन के आदमी भी ये दबाव बना देते थे कि भाई आपको पहलवान अगर बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं, नेताजी को इनवाइट कब करोगे, कार्ड पहुंचाया या नहीं पहुंचाया, तो मजबूरी हो जाती थी वो हमारा। उसके बाद की भी सैकड़ों तस्वीरें हैं और वो खुद ये बता रहे थे कि कमेटी के सामने उन्होंने सबूत के तौर पे दिया कि किस प्रकार से सहजता के साथ ये लोग हमारे साथ तस्वीरें खिंचवाती थी, क्या इसके लिए भी दबाव डाला जाता था खिलाड़ियों पे? सर जी, हम तो कुश्ती, सभी खिलाड़ी कुश्ती जीत के अपने भाई वार्म अप एरिया जहाँ पे हम बैठते हैं, जहाँ पे हम वार्म अप करते हैं वहीं जाते हैं सीधा, वहाँ वो खुद आते थे फोटो खिंचवाने के लिए, कोई लड़की खुद अपने आप से उनके पास नहीं जाती थी, वो खुद उनके पास आते थे। कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है तो कोई भी खिलाड़ी कोई भी अधिकारी जहाँ बैठता है वहाँ का तो उनके पास एक्सेस ही नहीं होता है, वो तो केवल वार्म अप एरिया और अपने कंपटीशन एरिया में ही जा सकते हैं, तो वो खुद आते थे हमारे वार्म अप एरिया में फोटो खिंचवाने के लिए। जी, उन्होंने इस आरोप का जिक्र किया कि मुझ पर ही आरोप लगाया गया है कि मैं जबरदस्ती खिलाड़ियों को हग करता था। उन्होंने कहा कि खुशी में मैं फेडरेशन का अध्यक्ष हूं, मैं शाबाशी के लिए हग करता हूं, उसको गलत तरीके से पेश किया जाता है। मैं सर उनके स्तर पर नहीं जा सकता हूं, मैं अपनी मर्यादा में भी, और हम जब सुप्रीम कोर्ट में अपना सब कुछ दे चुके हैं, दिल्ली पुलिस 7-7 दिन पोस्को के केस में FIR नहीं कर रही है, और हम दिल्ली पुलिस पे अगर सवाल उठाते तो उससे भी उनको दिक्कत हो जाती है, भाई पोस्को के एक्ट में आपने FIR नहीं की 7 दिन, ये मैं पहला मामला इस देश में ऐसा देख रहा हूँ, कोई आम आदमी होता तो अब तक वो अरेस्ट भी हो चुका होता। काद्यान जी, आरोप आप पर यह भी लगाया जा रहा है कि दरअसल आप लोगों के पीछे कई करोड़ की फंडिंग की जा रही है ताकि ब्रजभूषण शरण सिंह को आप लोग बदनाम कर सके, उनके करियर को आप खत्म कर सके, इसीलिए आपके पीछे फंडिंग है। वो कह रहे हैं कोई उद्योगपति है, ये उनका आरोप है। सर हम ना, आप देख सकते हैं कि भाई किस, आपके सभी रिपोर्टर्स दिखाते हैं कि हम किस हाल में रह रहे हैं, हम जमीन पे सो रहे हैं, इतने अगर हमारे स्पॉन्सर होते तो हम अपनी मूलभूत सुविधाएं तो कम से कम यहाँ मुहैया करा लेते, हमारे पीछे ना कोई हाथ है ना कुछ है, हम केवल कुश्ती
कुश्ती को बचाने के लिए, और कुश्ती में जो महिला पहलवान है जो देश की बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है केवल हम उसको बंद करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और ये हम बार बार अपने मन से क्लियर कर चुके हैं कि हमारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है। हम तो सबसे पहले बीजेपी पार्टी को ही बुलाना चाहते हैं क्योंकि वो रूलिंग पार्टी है। हमने तो इतनी बार उनको इन्वाइट कर लिया कि सर कम से कम आइए, आप देश की बेटियों की बात सुनिए। अच्छा, जैसे मैंने कल कई इंटरव्यूज को सुना, उसमें जो आपके साथ और महिला खिलाड़ी बैठी हैं उन्होंने आरोप लगाया कि अब तो अति हो चुकी थी, कि मतलब कोई खिलाड़ी अगर कई 10 खिलाड़ी अगर कैंप में सिलेक्ट हो रही हैं तो सबके साथ कुछ ना कुछ गलत करने की कोशिश ब्रजभूषण शरण सिंह करता था। तो उस पर जवाब मैंने सुना ब्रजभूषण शरण सिंह का, मैं वो शब्द तो नहीं मैं बता सकता, बड़ा खराब जवाब उन्होंने दिया था। मतलब उनका कहना यह था कि मैं अध्यक्ष हूं और मैं फेडरेशन चलाने की बजाय बस यही काम कर रहा हूं, लड़कियों के साथ बस दुराचार करना यही मेरा काम रह गया। सर देखिए, मैंने वो देखा आप जिस बारे में बात कर रहे हैं, मैं खुद वैसे शब्द कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकता ऑन कैमरा, तो ये तो खुद ही उनकी मानसिकता को दर्शा रहा है कि भाई वो एक इतने बड़े सांसद हो के भाई इतना रूलिंग पार्टी के सांसद है और वो इस तरह की अभद्र भाषा का 2 दिन से लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं। हम पीड़ित हैं सर, हमने अभी तक भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है, हम सिर्फ हाथ जोड़ के न्याय मांगने के लिए बैठे हैं और वो लोगों को पीड़ित करते हुए भी इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, ये बात मेरी समझ से बाहर है। उनके तरफ से कादियान साहब बार बार कहा जा रहा है कि हरियाणा का एक अखाड़ा, कुछ पहलवान ये सिर्फ इस बात की मुखालफत कर रहे हैं क्योंकि जो उनकी लॉबी थी वो तोड़ी जा रही है और हरियाणा से उत्तर प्रदेश अगर खेल को लेके जाया जा रहा है या महाराष्ट्र के खिलाड़ियों को मौका देने की कोशिश की जा रही है तो उस पर ऐतराज हो रहा है। सर बजरंग ने छत्रसाल स्टेडियम से स्टार्टिंग की थी, मेरे फादर का खुद का अखाड़ा है, विनेश अपने बलाली से स्टार्टिंग की थी, 3 अखाड़े तो यही अलग हो गए। और हमारे साथ यहाँ आसपास के उत्तर प्रदेश के भी पता नहीं कहाँ कहाँ के कोचिज आए हैं, जितने भी यहाँ आसपास के अखाड़े हैं सबके कोचिज यहाँ आए हैं। उस दिन हमने सुबह ट्रेनिंग की थी, यहाँ पे 500 बच्चे आए थे, वो कम से कम 50 अखाड़ों के बच्चे थे। तो मुझे नहीं लगता कि इसे एक अखाड़ा एक की बात में कोई भी सच्चाई, ये केवल हमारी देश की बेटियों को न्याय ना मिल सके उस मुद्दे से भटकाने की सारी बातें हैं। अच्छा कादियान जी, बार बार एक ऑडियो का भी जिक्र ब्रजभूषण कर रहे हैं, कह रहे हैं वो ऑडियो मैंने कमेटी को दे दिया है, जिस फोन पर किसी से कह रहे हैं कि बस किसी भी तरीके से एक ऐसी लड़की का इंतजाम करा दो जो इल्जाम लगा सके ब्रजभूषण पर, कह रहे हैं ये पुख्ता सबूत है मेरे पास। जी अगर उस ऑडियो में कुछ भी ऐसा गलत होता तो दिल्ली पुलिस अब तक पूछताछ हमारे से कर चुकी होती। वो ऑडियो मुझे तो नहीं लगता उसमें पहली बात तो कोई सच्चाई है, अगर हो भी तो वो तो केवल और केवल हो सकता है बजरंग ने किसी लड़की को या कैसे भी भाई मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि 7 लड़कियों ने हिम्मत दिखाई है, पता नहीं कितनियों के साथ हुआ होगा, केवल और केवल हिम्मत जताने के लिए हो सकता है बोल गए हो कि भाई हम लड़ रहे हैं, हम सीनियर हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आप हमारा साथ दीजिए, कब तक हम सहन करेंगे। उसको गलत तरीके से हो सकता है प्रयोग किया गया हो, अगर उसमें कुछ भी गलत होता तो अब तक ये कमेटी है या दिल्ली पुलिस भी उन्हीं के अंडर है, वो तो अब तक हमारी जान मांगने आ जाते हो। अभी तक ना कमेटी की तरफ से ना दिल्ली पुलिस की तरफ से उसके ऑडियो को लेकर कोई भी पूछताछ हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ मुद्दे से भटकाने के लिए कुछ भी बातें बोले जा रहे हैं। कादियान साहब, राष्ट्रीय शिविर नीति जो बनाई गई फेडरेशन द्वारा, उसका कितना रोल रहा इस नाराजगी के पीछे, क्योंकि उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि क्योंकि राष्ट्रीय शिविर नीति बनाई गई उसमें कंडीशन रखे गए कि किस प्रकार से आपको नेशनल खेलना होगा, ट्रायल देना होगा, इन सारी शर्तों को जो बड़े नामचीन खिलाड़ी थे वो इसलिए मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो यंगस्टर्स आ गए हैं जो उनसे उम्र में 5 साल 10 साल छोटे हैं वो कहीं उन्हें हरा ना दे, इसलिए उन लोगों ने नाराज़गी दिखाते हुए ये बहाना चुना और ऐसे आरोप लगाए। सर जी ये सिर्फ खेल भावना होती है, हम हारते भी हैं जीतते भी हैं, बहुत बार हम हारे भी हैं, हमारी हार जीत को लड़कियों के मान सम्मान के साथ अगर कोई जोड़ के और अलग तरीके से मुद्दे से भटका रहा है तो इसमें तो मुझे तो नहीं लगता कोई भी सच्चाई है। आप हमेशा से एक चीज़ देखना, आप ना उनके कहने से भी कोई चीज़ मत मानिए, आप देखिए, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, साई में सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे, अब तक एक भी सीनियर पहलवान बिना ट्रायल दिए किसी भी कंपटीशन में नहीं गया है, हर बार ट्रायल हुई है और उसका रिकॉर्ड आपको साई में या कहीं फेडरेशन में मिल जाएगा। मतलब राष्ट्रीय शिविर नीति जो बनाई गई उस बात को लेकर तो आप लोगों को एतराज नहीं है ना? सर उसी नीति की अगर हम डिटेल में बात कर रहे हैं तो वो उस नीति ने तो हमारे देश के 2-2 पहलवानों का कैरियर खत्म किया है,
वो नीति उस टाइम पे कहाँ चली गई थी जब नरसिंह यादव के ऊपर 4 साल का डोप लगवा दिया और सुशील को ये बोला गया कि आपकी ट्रायल ले जाएगी, वो बेचारा ट्रेनिंग करता रहा बार, और जब वो आए कि भाई मेरी ट्रायल ले लो, उस टाइम पे उनकी तो ट्रायल नहीं ली गई और नरसिंह यादव को 4 साल का डोप लगवा दिया गया जबरदस्ती यहाँ से भेज के रियो में। ये उन्हीं गलत नीतियों के परिणाम हैं जो दो दो रेसलर्स के करियर खत्म हुए हैं। अच्छा, अब आखिर में सत्यव्रत जी, जो ब्रजभूषण है वो ये कह रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, तो दिल्ली पुलिस की जांच होने दीजिए, जांच में कुछ मिलेगा तो जो मुझे गिरफ्तार करना होगा करेगी। आप लोग क्यों अभी से जांच पूरी होने से पहले दबाव बना रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, मुझे फांसी पर टांग दें? सर जी, आप एक भी पोस्को का एक्ट मेरे को दिखा दीजिए कि भाई पोस्को के एक्ट में 7 या 8 दिन लग जाएं FIR होने में, तो कैसे हम दिल्ली पुलिस पे रिलाई कर सकते हैं और कैसे उन पे हम यकीन कर सकते हैं? हमारे लिए बिजली पानी तो वो यहाँ पे आने नहीं दे रहे। क्या CBI से इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस बात को भी वो कह रहे थे कि क्यों नहीं ये लोग मांग कर ले रहे हैं और CBI जांच की बात कर ले, वो इसके लिए तैयार हैं अगर दिल्ली पुलिस पे भरोसा नहीं है तो? हम भी तैयार हैं सर इसके लिए। हम तो स्टार्टिंग से ये बोल रहे हैं कि कोर्ट के अंडर कोई SIT हो या CBI हो जिसको कोर्ट मॉनिटर करे, वो जांच होनी चाहिए। हम तो स्टार्टिंग से इसी, हमने तो हमारे शायद लीगल टीम ने भी कोर्ट में यही बोला है। कादियान जी, जिस तरीके से सियासी चेहरों की एंट्री हुई है आपके आंदोलन में, उसको लेकर भी एक मौका मिल गया है ब्रजभूषण सिंह को। वो कह रहे हैं कि ये तो सियासत का अखाड़ा बन चुका है, मौका मिल गया है जो सियासी विरोधी हैं हम पर निशाना साधें खिलाड़ियों के बहाने। मैम, हमारे को ना तो राजनीति की कोई समझ है, कभी हमें पता नहीं कौन कौन सी गैंग साइन बाग वगैरह पता नहीं क्या क्या अभी उन्होंने IT सेल अपनी एक्टिव करके ट्विटर पे जो गंदा माहौल जो बनाया हुआ है, हम तो उसको देख के खुद परेशान है कि भाई कहाँ कहाँ हमारे को जोड़ा जा रहा है। हम रेसलर हैं मैम, हमने केवल अपनी ट्रेनिंग की, आज तक हमारे को समझ नहीं है, हमारे को तो ये भी नहीं पता साइन बाग का मुद्दा क्या था, कैसे हमारे को, हम तो केवल एक ही मांग ले बैठे हैं कि भाई देश की 7 लड़कियों ने साहस करके न्याय के लिए आवाज़ उठाई, आप उनको न्याय दे दीजिए। और जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी का सवाल है मैम, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं सबसे पहले BJP के आदमियों से, BJP के बड़े अधिकारी या BJP के बड़े मंत्रियों से ये आग्रह करता हूँ कि सर आइए देश की बेटियों की मन की बात सुनिए। जी बहुत शुक्रिया सत्यव्रत कादियान जी हमसे बात करने के लिए। आपकी बातें पहुंची हैं जहाँ पहुंचनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस पर आपको भरोसा नहीं है और क्यों ब्रजभूषण शरण सिंह अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ पॉक्सो की धारा में अपराध दर्ज होने के बावजूद। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। India TV हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें India TV News Google Play Store या App Store पर।